दिखाओ राधा। हेलो श्लोक, जीते रहे बेटा। कैसा है तू, कहाँ है तू? यहाँ काम खत्म हो गया है बाबा, मैं कल वापस आ रहा हूँ। क्या तू घर वापस आ रहा है बेटा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है बेटा। हाँ बाबा, वापस आ रहा आपके पास, अपने परिवार के पास। आप सबसे मिलने के लिए बहुत उतावला हूँ। बेटा बेटा हम भी उतावले, जल्दी आ जा बेटा। बस बाबा, कल तक का इंतजार कीजिए। जीते रहे बेटा, जीते रहे। आई, आपका पोता आ रहा है। मेरा बेटा श्लोक आ रहा है। स्मिता, अपना बेटा श्लोक आ रहा है। 3 महीने बाद लंदन से वापस आ रहा है। धूमधाम से उसका स्वागत होगा। दिवाली में जैसे प्रतिभा निवास सजता है वैसा ही सजेगा। आई, आपके हाथ की पूरनपुरी उसे बहुत पसंद है, आप जरूर बनाइए। बनाऊंगी, सब बनाऊंगी बेटा। स्मिता, तुम्हारे हाथ की कड़ी और कोथिंबीर वड़ी उसे बहुत पसंद है, तुम जरूर बनाना। हाँ, बनाऊंगी। और पापा जी, मैं सरसों का साग बनाऊंगी, उन्हें बहुत पसंद है जी। बस जिसे जो बनाना है बनाओ, बस मेरा बेटा आ रहा है। मैंने कहा ना, ये किसी त्योहार से कम नहीं है। उसके कदम इस घर पर पड़ते ही ये घर खुशियों से भर जाएगा। श्लोक से कितना प्यार है इन सबको, कितनी खुशी है इसके आने से। चलो चलो, तैयारी में लग जाओ, मैं भी तैयारी में लग जाता हूँ। हैं? एक बेटा है जिसके आने की खबर बाबा के चेहरे पर इतनी खुशी लाती है, और दूसरा बेटा जिसकी वजह से बार बार बाबा को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ता है। मैं आपकी मदद करूं? कब से आप ही काम किए जा रहे हैं। अरे राधा, ऊपर अलमारी में ना चांदी का ग्लास मैंने संभाल कर रखा है। श्लोक जब छोटा था ना, तो उसी में चाय कॉफी पिया करता था। तू जा, वो लेकर आ जा। अभी आए। तो सोनालिका के अपने पति के साथ की तस्वीर है। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है।